हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमाली। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है, आप लोगों ने बहुत दिनों का रिक्वेस्ट था कि दी अभी तो कोलकाता में आ चुकी हो, तो अभी कुर्ती का कलेक्शन क्यों नहीं बना रही। सो गाइस, आपकी बात मान के सीरियसली मैंने एक कुर्ती का कलेक्शन बनाई है। तो दो चार दिन पहले ब्लॉग में भी मैंने मेंशन की थी कि मैंने कुछ कुर्तियाँ ऑर्डर की है, वो आ जाए उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, वो सारे कुर्तियाँ आ चुके हैं और ये सारे कुर्तियाँ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला है और मैंने शॉपिंग की मीशो से। और एक चीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि मीशो का कुछ कोड आप लोगों ने मुझे भेजा था मैसेज करके कि दी ये कुर्ती आप ले लो, आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। तो कुछ आपके कलेक्शन और कुछ मेरे कलेक्शन दोनों मिला के बहुत अच्छा कुर्ती कलेक्शन मैंने किया है, जो कि आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। और ये कोई सिंपल हॉल वीडियो नहीं है, ये एक ट्राई ऑन हॉल वीडियो है। तो गाइस, ये मैं आपको दिखाऊँ मेरा कलेक्शन, मैं आपको दिखाऊँ उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये मीशो क्या है। तो गाइस, मीशो है इंडियाज नंबर वन रीसेलिंग ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करके जैसे कि आप खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हो, बिल्कुल उस तरह से जीरो इन्वेस्टमेंट पे घर बैठे ही बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मीशो से कुछ प्रोडक्ट आप कलेक्ट कर सकते हैं और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ पे इसे शेयर कर सकते हैं। उनमें से किसी को भी अगर वो प्रोडक्ट पसंद आ जाए तो आपको वो लोग ऑर्डर करेंगे और उनके एड्रेस के साथ आप मीशो को वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे। वहाँ पे आपका एक मार्जिन का भी जगह मिलेगा, वहाँ पे कितना आप प्रॉफिट करना चाहते हो वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद मीशो अपना प्रोडक्ट का जो पैसा है वो कट करके आपको आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो इसी तरह से बिना डिलीवरी बॉय के, क्योंकि डिलीवरी करने का जो जिम्मेदारी है वो भी मीशो का ही है, तो इस तरह से आप बिना कोई हेडेक के, बिना कहीं जाए, आप घर बैठे ही मीशो से अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे दिया है, उस लिंक को क्लिक करके अगर आप मीशो ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपका फर्स्ट परचेजिंग में आपको अप टू 20% तक के ऑफ मिल सकता है। सो गाइस, चलिए देर ना करके देख लेते हैं मेरा कुर्ती कलेक्शन। सो गाइस, ये है मेरा पूरा वो सारे कुर्ती कलेक्शन। तो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मेरा एक फेवरेट कलेक्शन आप देख सकते हो, ये जो एक्चुअली ये वन पीस है, आपको दिखने में लगेगा कि ये नीचे वाला स्कर्ट है या तो प्लाजो है ऐसा कुछ, पर ये पूरा एक ही ड्रेस है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ट्रेडिशनल है, सामने फेस्टिवल है और फेस्टिव सीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। और मीशो के जो कलेक्शन है उसका सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगता है पता है, देखिए यहाँ पे जो प्रिंट है ना, सामने बैक साइड में बिल्कुल इस तरह के प्रिंट है। ज़्यादातर टाइम ऐसा देखा जाता है कि सामने प्रिंट होता है, पीछे बिल्कुल प्लेन रहता है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सामने ऊपर में कुछ हिस्से तक यहाँ पे मिरर वर्क है और इसका जो प्रिंट है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये फेस्टिव सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके साइड का ये जो डिज़ाइन है डबल लेयर में आते हैं और ये डिज़ाइन है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आपके फिगर के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये है वो पूरा ड्रेस। और इसका अगर मतलब मटेरियल की मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छे क्वालिटी का आता है गाइस। तो ये जब मैंने रिसीव की ना, उसके बाद इसके क्वालिटी के बारे में पता चला एंड मैं बहुत खुश हूँ आपको ये बोलते हुए कि ये एकदम प्योर कॉटन है। और समर के हिसाब से अगर पकड़ो तो ये बहुत ही अच्छा है इस सीज़न के लिए, क्योंकि लुक तो एक चीज़ होता ही है, उसके साथ साथ क्वालिटी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप रियली फेस्टिव सीजन के लिए कंफर्टेबल और अफोर्डेबल ड्रेस चाहते हो तो ऐसा कोई डिज़ाइन वाला ज़रूर लेना। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सेम डिज़ाइन के पर एक दूसरा कलर, जो कि दिवाली के लिए लाइक सामने करवा चौथ आ रहा है, ऐसे फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छा है। और इसका जो गोल्डन प्रिंट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जो मिरर के कुछ डिज़ाइन है ये भी आप देख सकते हो, इसके ऊपर जैसे चार चांद लगा दिए। और इसका भी पीछे डिज़ाइन है, सामने ये जो बॉर्डर है नीचे का आप देख सकते हो और सेम डिज़ाइन में आता है। तो आई होप पहले वाला बहुत अच्छे से देख चुके हो। एंड ये भी सेम घेर में आता है, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा घेर यहाँ पे आपको मिलेगा और ये भी फेस्टिव सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पर मेरा जो हाइट है, मेरे हाइट के हिसाब से ना जो रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं वो छोटा थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो अगर हील पहने तो ठीक ठाक है या तो नीचे से थोड़ा सा मुझे ऑल्टर करने की ज़रूरत है। और इसका मैं एक्चुअली साइज़ आपको बताना भूल गई, ये और ये स्टाइल वन दोनों ही मीडियम साइज़ के। और गाइस, उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और एक बहुत अच्छा एक यूनिक डिज़ाइन का कुर्ती। एंड इसके साथ और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि ये बहुत बड़ा बहुत ही लंबा है मुझसे,
तो मुझे इसे ऑर्डर करके ही यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे ट्रेड के डिजाइन बना हुआ है, थोड़ा सा पॉम पॉम है सामने, और येलो जैसे कि समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट कलर है। और फ्लोरल डिजाइन मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, कॉटन की तो बस बात ही मत करो, ये इतना अच्छी क्वालिटी का आता है, मतलब इसके लिए जितना तारीफ करो उतना ही कम। मेरे कैमरा में इतना लेंस नहीं है कि मैं आपको इसका क्वालिटी एकदम सामने से दिखाऊं, पर आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरे एक्साइटमेंट देख। एंड गाइस, ये जो मेरा फोर्थ वन है, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, क्योंकि एज अ मदर पीटीएम अटेंड करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो पीटीएम में हमेशा थोड़ा सा सीधा साधा ऐसे जाओ, थोड़ा सा ऐसे कॉलर वाला कुछ यूज करो, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, और ये एल्बो लेंथ का स्लीव है, और इसके साथ गाइस कोई लोअर आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, या कोई भी लेगिंग्स के साथ आप पहन सकते हो। इवन मैं तो प्रेफर करूँगी व्हाइट से भी ज़्यादा, अगर आप चाहे तो ऐसे ऑरेंज कलर का कोई अगर लेगिंग्स आप पहनते तो बहुत अच्छा लगेगा। बाय द वे, मुझे कुर्तीज हमेशा जीन्स के साथ अच्छा लगता है, जो कि सिर्फ कुर्ती में आते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे सामने बटन सिस्टम है, आप देख सकते हैं, और इसमें मतलब एक खादी लुक आता है, एक खादी लुक है जो कि ट्रेडिशनल लुक देगा। और वही जो मैंने आपको बोला कि सामने जैसे प्रिंट आप देख सकते हैं, बिल्कुल पीछे की तरह वैसे आपको प्रिंट मिलेगा। सामने दो पॉकेट है, जो कि और भी बहुत अच्छी चीज़ है, पॉकेट जब होता है छोटे छोटे चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और एक फोल्ड का ये जो स्लीव है, और यहाँ पे एक छोटा सा बटन सिस्टम है, जो कि इसमें एक अलग ही लुक दिया है, एक शर्ट जैसा लुक दिया है। तो ऑल ओवर ये जो कुर्ती है, ये मुझे बहुत पसंद आया है, पर इसका जो लेंथ है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मुझे ये ऑर्डर करके पढ़ना पड़ेगा। मेरा ये जो फिफ्थ वन है, ये भी काफ़ी सिंपल एंड स्वीट है, क्योंकि ये जो कलर है ना, इस कलर का मेरे पास और कोई भी ड्रेस नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कलर का थोड़ा सा कुछ लिया जाए। तो आई होप कि ये अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो कुछ फ्लोरल डिज़ाइन किया हुआ है, ये नीचे की तरफ भी थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक लेस लगा हुआ है, जिसमें छोटे 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 कुछ पॉम्पॉम है, जो ये मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और जो इनके पिक्चर में होता है ना, बिल्कुल वही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, पर क्वालिटी ऑब्वियसली क्वालिटी जब आपके हाथ में आएगा तभी इसका वैल्यू आपको पता चलेगा। और ये है 38 साइज का, तो 38 आई थिंक ये मीडियम ही होना चाहिए। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी तरह से फिट आया है। तो इसके साथ एक लोअर भी आपको मिलता है, क्योंकि सारे कुर्ती के साथ आपको लोअर नहीं मिलेगा, पर इसके साथ आपको लोअर मिल जाएगा व्हाइट, एंड नीचे का जो पार्ट है वो आपको लेस में आएगा, जो कि इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगता है। एंड गाइस, मेरा ये जो सिक्स्थ वन है, ये भी बहुत ही अच्छा है। आप सोचेंगे कि बिल्कुल ब्लैक है फिर भी अच्छा क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट कट में आता है, और स्ट्रेट कट का जो कुर्तियाँ है ना, वो जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, पर अगर आप चाहे तो इसे लेगिंग्स के साथ भी ऑब्वियसली पहन सकते हो। और इसका जो ये टर्सल है, ये आप देख सकते हैं, ये टर्सल मुझे बहुत अच्छा लगा, और दोनों साइड से इसका जो ये डिज़ाइन है, ये आपकी बॉडी के शेप के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। पर मेरे लिए प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये भी मैंने मीडियम साइज़ ही ऑर्डर किया है, आप देख सकते हैं कि मीडियम साइज़, उसके बावजूद भी ये मेरे लिए थोड़ा सा टाइट हो गया। जैसे होता है ना कि स्लिम फिट, रेगुलर फिट, बिल्कुल ये स्लिम फिट है ये मुझे पता नहीं था, तो मैंने ऑर्डर कर लिया मीडियम साइज। तो अगर आप मेरे मतलब फिगर के साइज़ के हो, तो प्लीज़ अगर आप ये लेते हो तो एक साइज़ बड़ा ज़रूर लेना, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन मैं अच्छे से मतलब मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो टमी है वो काफ़ी हैवी है, तो इसके कारण यहाँ पे सारा डिज़ाइन मिस हो जाता है। अदरवाइज़ ये काफ़ी अच्छा है, और ये मुझे बहुत पसंद आया था। तो इस कुर्ती को आज मैं जींस के साथ पहनी है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर उस दिन अपने ब्लॉग में देखा कि ये मैं पहनी थी एक रेड कलर के लेगिंग्स के साथ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम में भी और इस टाइम में भी। तो गाइस, ये भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। एंड गाइस, मेरा जो सेवेंथ एंड लास्ट वन है, ये आप देख सकते हो, सेम ब्लैक के डिज़ाइन का ही है ये, पर येलो भी मुझे मेरा एकदम फेवरेट कलर तो नहीं है, पर मुझे काफ़ी पसंद है। तो येलो के साथ अगर आप ब्लैक लेगिंग्स, या तो अगर आप रेड लेगिंग्स भी पहनते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ रेड टर्सल दिया गया है, और ये टर्सल के लिए मैंने स्पेशली इस कुर्ती को लिया है, पर आज भी मैं इसे दिखा रही हूँ और जींस के साथ, क्योंकि जींस के साथ कुर्ती पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस एक फोल्ड डाल के। इसकी क्वालिटी की आप बात करें तो क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, और हमेशा हेवी डिज़ाइन वाला ये अच्छा नहीं लगता, कभी कभार सीजन को दिमाग में रखते हुए स्वीट एंड सिंपल ड्रेस भी अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से मैंने ये सारे लिया है, और सामने वैसे भी कई सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो एक के बाद एक ऐसे पहनती जाऊँगी और आपको ब्लॉग में भी दिखाती जाऊँगी। तो इस तरह से आप मुझे ज़रूर बताना कि मेरी ये जो सारे कुर्तियाँ हैं ये कैसा लगा आपको, और इसके क्वालिटी के बारे में तो बस पूछो ही मत। मैं जब मीशो से अपना फर्स्ट ऑर्डर किए ना, तो उस टाइम में मेरे दिमाग में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें था,
कि मीशो का मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, पता नहीं उनकी क्वालिटी कैसा होगा, क्योंकि नया जब आप कोई चीज़ ट्राई करते हो एक्साइटेड तो रहते ही हो, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत घबराहट भी होता है ना कि चीज़ कैसा आएगा, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो वैसे ही आएगा कि नहीं। पर गाइस जैसे पिक्चर में मैंने देखा बिल्कुल ऐसा ही मेरे पास आया है। एंड जब आप खुद इसे परचेस करोगे ना तो आपके हाथ में है, तो आप इसे मिला के देखना कि ये कितना अच्छी क्वालिटी का, और जैसे आपने देखा बिल्कुल ऐसा ही है। एंड गाइस जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, तो यहाँ पे सिर्फ आप अपने लिए नहीं, आप यहाँ पे बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के, वो भी घर बैठे हुए। तो इस तरह से अगर मीशो से आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो देर क्यों, अभी से जस्ट स्टार्ट कर दो, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस ऐप का लिंक दिया हुआ है, और इसे क्लिक करके आप इस ऐप को अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लो, और उसके बाद आपको फर्स्ट ऑर्डर में मिल जाएगा 20% तक का भी ऑफ। तो इस तरह से देर ना करके शुरू कर दीजिए अपना बिजनेस, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के। तो चलिए गाइस आज का मेरा जो वीडियो है वो बस यही तक है। तो ये कुर्ती आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बोलना, और आप अगर इनमें से कुछ लेते हो तो मुझे ज़रूर लिख के बताना कि दी मैंने ये कुर्ती ली है, आपका वो वाला कलर लिया है। तो इस तरह से चलिए आज का वीडियो बस यही पे एंड करते हैं। तो आई होप कि बहुत रिसेंटली मैं मीशो से और भी कुछ परचेजिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे कुर्ती की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो बस यही तक, तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय।